सो गाइस, मैंने चिट कोड का यूज करके रैंप तो बना ही लिया, काफी बड़ा बनाया और वो कुछ दिखने में ऐसा है भाई, मजे मजे में काफी बड़ा रैंप बन गया है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम दोबारा से खेलने वाले डूड थिफ्ट वॉर्स। आज की वाली वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली, क्योंकि डूड थिफ्ट वॉर्स में बहुत सारे नए नए चेंजेस आए और अपडेट्स आए हैं, और हाँ, कुछ नई चिट कोड्स भी आई हैं। आप लोग को दिखाता हूँ, ये मेरी फ्लोटिंग विंडोज में आप लोग उन सभी चीज़ों की लिस्ट देख सकते हो जो अभी अभी न्यू ऐड हुई हैं। सो गाइस, अब इसमें 20 नई ब्रांड न्यू कार्स हैं और इनके नाम्स कुछ ऐसे हैं, और सभी कार्स के अपने अलग साउंड्स होंगे, नहीं तो एक ही साउंड रहता रहा सबका। सो गाइस, ये सब तो ठीक है, बट जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया वो ये है। सो यस गाइस, अब हम इस गेम में रैंप भी बना सकते हैं। यस, एग्जैक्ट हम भी वैसा रैंप बना सकते हैं, उसके लिए हमें चिट कोड का यूज़ करना पड़ेगा, तो चलो ट्राई करते हैं। सो गाइस, जैसे ही मैंने चिट कोड एंटर किया, सामने रैंप बन के आ गया। सो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि रैंप बना ही रहे तो क्यों ना बहुत बड़ा रैंप बनाया जाए, और एक छोटी मोटी रेस भी हो जाएगी इसी बहाने, तो मैं जल्दी जल्दी रैंप बनाने के काम में लगता हूँ। सो गाइस, मैंने चिट कोड का यूज़ करके रैंप तो बना ही लिया, काफ़ी बड़ा बनाया और वो कुछ दिखने में ऐसा है भाई, मजे मजे में काफ़ी बड़ा रैंप बन गया है। गाइस, ये उतना परफेक्ट तो नहीं है, बट ठीक है, टेम्परेरी ठीक है। और अब देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो गाइस, मैं ये कह रहा था, रैंप तो बन गया है, बट इस रैंप से जंप करवाने के लिए परफेक्ट व्हीकल भी लाना जरूरी है, और मैं एक अच्छी सी बाइक की तलाश में हूँ अभी। सो गाइस, मैं अभी निकल चुका हूँ एक बाइक की तलाश में, अपनी बुगाटी व्रूम में। वैसे ये पुराना मॉडल है, मेरे गैराज में ये पड़ी रखी थी, इस कारण ये गायब नहीं हुई है अभी, नहीं तो ये बुगाटी अभी देखने को मिल भी नहीं रही है। गाइस, मुझे बाइक तो नहीं मिली, बट मुझे ये लैम्बो मिली है, इसका नाम है शीप बॉर्गिनी, और मैं समझ गया क्यों है, क्योंकि लैम्बोर्गिनी का नाम लैम से रिलेटेड है। और ये डूड थिफ्ट वॉर्स का जो डेवलपर है ना भाई, वो बहुत ही खतरनाक है। तो चलो, बाइक तो नहीं मिली, बट इस लैम्बोर्गिनी से ही काम चलाते हैं अभी। सो गाइस, अब इसमें 360 व्यू मिलता है गाड़ी चलाते चलाते भी। ओके, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और साउंड भी मस्त है भाई। ये तो इसकी तो उम्मीद ही नहीं की थी, बट कोई नहीं, दोबारा से करते हैं भाई, ये तो उड़ रही है एकदम। सो गाइस, मेरी ये लैम्बोर्गिनी यहाँ पे फंस चुकी है, और इसी कारण मैं बाइक ढूंढ रहा था, यहीं से नीचे कूदा देते हैं। सो गाइस, फाइनली मुझे कुछ तो मिला है, ये टू व्हीलर ही है, हाँ ये स्कूटर मिला है मुझे। गाइस, इसका नाम वेस्पा वन, मैं कुछ समझा नहीं, इसका ये नाम क्यों है ऐसा। चलो ठीक है, हमें क्या करना है, और अब चल रहे हैं हम इसको लेके स्टंट मारने। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं इस रैंप में, ठीक है, अब देखते हैं मजा। ठीक है, आराम आराम से करते हैं, आखिरी तक जाना यार, जब इतना बड़ा बनाया है तो जाना तो बनता है। ठीक है, हम कर सकते हैं, बट यार ये रैंप उतना मजेदार नहीं है। यहाँ पे काफी सारे रैंप बन गए थे, और मैंने सोचा रहा गाड़ी को जंप करा के ला लूंगा तो दिक्कत नहीं होगी, बट ये स्कूटर यहाँ पे फंस चुका है, अब यहाँ से तो निकल जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं स्पीड से, भाई ये एंगल का फायदा तो मिल रहा है, देखो अभी मैं थोड़े गड्ढे में फंसा हुआ हूँ,
अगर मैं सही तकनीक से दिमाग लगाऊं तो निकल सकता हूँ। हाँ हाँ मैं थोड़ा निकल चुका हूँ। ठीक है यार इसे छोड़ो भाई, दिमाग दिमाग खराब हो जाएगा नहीं तो। भाई ये गलत है यार, रैंप ढंग से बन नहीं पा रहा है। ठीक है रैंप था तो काफी बड़ा। अबे तो ओके गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग से ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।